महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार में हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वैसे तो हर होली संबंधित बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा काफी लोकप्रिय है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन धुलंडी मनाई जाती है, जिसमें लोग एक दूसरे को अबीर, गुलाल, रंग इत्यादि लगाकर ढोल और डफली बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाकर ये होली का व्यवहार त्योहार मनाया जाता है। इसमें दोस्तों, परिवार और अपने सगे संबंधियों के यहाँ जाकर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और एक दूसरे को कलर, अबीर, लाल कलर या जो अलग अलग कलर से उनको लगाकर ये होली खेली जाती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से खेली जाती है। मथुरा में होली अलग खेली जाती है, वहाँ कोई लट होली लट से भी खेलते हैं और जगह जगह राजस्थान में होली अलग गल। लेकिन मैं देखता हूँ नॉर्थ में होली का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में लोग मनाते हैं और इसे रंग का त्यौहार कहते हैं। लेकिन दुनिया भर के कई देशों द्वारा भी बिना किसी धार्मिक मतभेद के ये खुशी का त्यौहार मनाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा नॉर्थ में जो है होली एक बहुत ही जबरदस्त उत्साह के साथ, जबरदस्त एक लोगों को प्रेम का संदेश देता है और उसमें होली का त्यौहार हमारे जीवन में प्रेरणा, खुशी लेकर आता है। होली के रंग की तरह जीवन के भी बहुत सारे रंग होते हैं। होली के जो रंग होते हैं उसमें जीवन के भी बहुत सारे रंग होते हैं, तो हम उनके साथ खेलकर पार करना चाहिए। लोग कोरोना में निराश नहीं हो, ये भी होली के एक कलर हम समझकर कि ऐसा कलर जो दुख का थोड़ा सा कठिन समय है, ऐसा समय जहां पर हर आदमी संघर्ष कर रहा है, में होली एक अलग टाइप से लोग होली खेल रहे हैं। होली अपने मतलब इंटरनेट और क्या बोले एक इसके माध्यम से अपना सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दे रहे हैं और डिजिटल मैसेज देकर, डिजिटल प्रोग्राम रखकर होली का त्योहार मनाया जा रहा है। तो अगर अपने जीवन के रंगों से भरकर खूबसूरत कर दीजिए, ऐसा मैं कहूँगा कि आप अपने जीवन में अलग अलग तरह के कलर को भरकर, अलग अलग समय जो आता है उसको भरकर खुशी से बिताएं। और इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके आने वाले जीवन में जो जो कलर, अलग अलग तरह का जो समय आता है, उस समय को अलग अलग कलर समझ कर हम उसको ले अपने में और उत्साह और एक नए अंदाज से होली मनाएं। मैं ये कहूंगा कि आपको, आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के इस अवसर पर ईश्वर से ये कामना करता हूं कि आने वाले होली आपके जीवन में, आने वाला होली का त्योहार जो आज है, ये त्योहार हमारे जीवन में अनेकों अनेक सफलताएं, अपार खुशियां लेकर आए, साथ ही वैभव, ऐश्वर्य, उन्नति, प्रगति, आदर्श, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, समृद्धि के साथ आजीवन आपको जीवन के पथ पर गतिमान करे और कोरोना के इस कठिन समय में भी आप उसी तरह हर्षोल्लास से होली अपने घर पर मनाएं। लेकिन उसके साथ आप हमेशा मास्क पहने और अपने हाथ धोते रहे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और कोरोना के नियम को पालन करते हुए हम लोग खुशी से इस त्योहार को मनाएंगे। ऐसी शुभकामनाएं मैं मेरी तरफ से हमारे ट्रेड और कॉमर्स सेल मुंबई की तरफ से और मैं जिला अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अपने कांग्रेस के सब परिवार को, हमारे आदरणीय नेताओं को, आदरणीय हमारे मित्र परिवार को, हमारे कांग्रेस के सिपाहियों को, सबको हैप्पी होली, एक कलरफुल होली का शुभकामनाएं मैं इस आपके चैनल के थ्रू दे रहा हूं।